मैं आज आपको कल्टस की लाइटों का रिव्यूज दूंगा। तो ये है एशिया कंपनी की लाइटें जो आती है कल्टस की, जो आपको हर जगह अवेलेबल नहीं मिलेगी। ये जेन्युइन लाइटों की तरह ही होती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लाइटें होती है। ये आप देख सकते हैं कितनी साफ़ है। इसकी आप फिनिशिंग देखेंगे तो आपको फील हो जाएगा ये क्या लाइट है। इसकी प्राइस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और जो हमें लाइटें जो देते हैं ज़्यादातर जो दुकानों से हमें मिलती है वो ये लाइटें होती है जी, वो ये लाइटें होती है। आप देख सकते हैं ये लाइटें जो टोटली सब ले लेते हैं, सब परचेस करते हैं, ये लाइटें होती है। इसकी कीमत जो मार्केट में चल रही है वो है 3,2400 रुपये। रिटेल आप होलसेलर से लेंगे 2400 की मिलेगी, वरना आपको 3,000 की ये लाइटें परचेस करेंगे। इसकी फिनिशिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो आप ऊपर लाइटें देख रहे हैं ये 8,800 रुपये की लाइटें हैं, जिसके अंदर आपको क्रिस्टल क्लियर लाइट मिलेगी। बिल्कुल आप फील ही नहीं करेंगे कि ये लाइटों में कितना डिफरेंस है। तो आप ये लाइटें देख सकते हैं कितना फ़र्क है। इस ये पुरानी लाइटें दिखाने का मकसद ये है कि इसका जो प्लास्टिक मेटल होता है, ये जो प्लास्टिक है सारा आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर फिनिशिंग आपको वो नहीं मिलेगी। आपकी लाइटें ब्लर होगी महीने डेढ़ महीने बाद। अगर आप 3,000 वाली लाइटें लगाते हैं तो आपकी लाइटें ब्लर हो जाएगी और वो आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगी लाइटों में। मकसद के मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इसको सर्विस करवाते हैं, वॉश वगैरह करवाते हैं, तो आपकी लाइटों में पानी जाना शुरू हो जाएगा साइटों से। कुछ टाइम बाद आपको ऐसे रिपेयर करवानी पड़ेगी जैसे ये रिपेयर हुई हुई है। ये देख सकते हैं इसकी रिपेयरिंग, आप देख सकते हैं ये ऐसे टूटना शुरू हो जाती है। जो ये नई लाइटें दिखा रहा हूँ, अगर आप वैसी 3,000 वाली परचेज करेंगे तो उसका ये हाल हो जाएगा। कुछ टाइम बाद बिल्कुल ब्लर हो जाएगी और आप जब लेने जाएंगे आपको डिफरेंस आपको यहाँ से पता चल जाएगा लाइटों के। इसके कोने जो होते हैं वो बिल्कुल ठट गिलास आते हैं और यहाँ से प्लास्टिक सारा आ रहा होगा। जब आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस खुद पता चल जाएगा। और जब आप ये लाइटें देखेंगे तो इसके साथ ये लैंप इसके जेन्युइन आते हैं। ये आप लैंप इसके साथ मैं लगा रहा हूँ तो इसकी बिल्कुल आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखनी है, इसकी आप साइटें देखेंगे आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। ये साइटें आप देखें बिल्कुल सील्ड होती हैं, 19-20 का भी इसमें फ़र्क नहीं होता। ये आप लाइटें देख सकते हैं, तो ये लाइटें हैं आप देख सकते हैं। इसके मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ, ये देखें ये लाइटें हैं। ये 8,800 की आपको मिलेगी, 7,800 की प्लाजा में मिल जाएगी अगर आप सदर जाते हैं तो। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है और ये बहुत साफ़ सुथरी लाइटें। आप जब 2-3 चेक करेंगे तो आपको दिखाएगी, देखा इसके देखें ग्रिप बाकायदा लगे हुए। आप ये फिनिशिंग देख रहे हैं, उनकी फिनिशिंग यहाँ से नहीं होगी और उसमें ये सेटिंग का नट नहीं होगा। ये लाइटों की सेटिंग का होता है जो ऊपर नीचे करता है। आपको इसकी तरह बहुत लाइटें मिल जाएगी, लेकिन आप ये साइटें देखिएगा यहाँ से प्लास्टिक आ रहा होगा जैसे ये देख सकते हैं। तो ये हमने लगाई थी गाड़ी में, निकाल दी वापसी क्योंकि हम चेकिंग कर रहे थे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा भार हो गए बाकायदा से प्लास्टिक साइटों से, इतना भार निकल रहा होगा 1-1 इंच। तो आप इसकी फिनिशिंग देखें, लाइटों की फिनिशिंग कितनी अच्छी है। इसके अंदर अपने बल्ब भी आते हैं जो बाकायदा खुद ही फिटेड होते हैं। ये बल्ब वगैरह सब इसके साथ ही आपको मिलेंगे, जो इसके छोटे लैंप होते हैं ये आपको इसके साथ ही स्टॉल हुए हुए मिलेंगे। आप इसकी फिनिशिंग देखें कितनी साफ़ सुथरी लाइटें, कहीं से भी इसकी वो नहीं है कि आपको लगता है कि इसमें कुछ टाइम बाद पानी जाना शुरू होगा। आप फिनिशिंग देख सकते हैं, इसका बार कोड भी होता है, लेकिन आप बार कोड पे नहीं जाइए, आप इसकी फिनिशिंग पे जाइए। आप इसकी फिनिशिंग देखेंगे आपको खुद फील होगा। और इसके साथ इसके जो लैंप हैं, ये जो साइड लैंप होते हैं पार्किंग लैंप जिसको कहते हैं, ये इसके साथ ही आते हैं। ये आपको अलग से मत लीजिएगा, ये आपको 400 रुपये के भी मिलेंगे। जो जेन्युइन होते हैं जो इसके साथ आते हैं, ये 1500 के लैंप हैं। तो आप इसकी पीछे से क्वालिटी देखें, ये साथ ही आते हैं, इसमें भी ना पानी जाएगा ना आपको ये तंग होंगे आप इससे। ये इसके साथ ही लैंप आते हैं, इसी बॉक्स में इसके साथ आते हैं। जो मार्केट से आप लेंगे आपको साथ नहीं देंगे। अगर आप 8,800 के लेंगे तो आपको ये इसके साथ ही देंगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं और ये जापानी लाइटें कहलाती है क्योंकि ये एशियन ब्रांड है। और इसके अलावा आप जब अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे आपको बता खुद चल जाएगा कि इसकी कितनी साफ़ सुथरी लाइटें हैं ये। तो आप इसको देख सकते हैं, लाइटों को फिनिशिंग आप देखें इसकी। तो
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको इसका एक बार बॉक्स दिखा देता हूँ। यही आपको बॉक्स लेना है, एशियन में रेड में लेना है। और इसके अलावा आपको देखना है, ये बहुत ग्लोसी और क्लियर लाइट होगी, बिल्कुल आपको कहीं भी फील नहीं होगा, कोई भी नोक धार कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी। और इसमें इतनी शाइनिंग होगी, आप अगर लोकल लाइटें लेंगे 3000 वाली आपको उसमें और इसमें बड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि ये इसके साथ आता है लैंप, जेन्युइन लैंप आता है। ये 400 के भी मिलते हैं, 800 के भी मिलते हैं, लेकिन ये अगर आप अलग से बाहर से परचेस करेंगे तो आपको इसकी जोड़ी 1500 की मिलेगी, क्योंकि ये जेन्युइन लाइटों के बिल्कुल 90-20 का भी इसमें फ़र्क नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 19-20 का भी फ़र्क नहीं आपको आएगा, बिल्कुल इसके साथ ही फिटेड में बैठेंगी। जब आप इसको लगाएंगे तो इसके बीच में स्पेस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल ये परफेक्टली बैठेगी। वरना इतना डिफरेंस होता है, थोड़ी लाइटों के बीच में गेप होता है, इसकी गेप नहीं आएगी, बिल्कुल इसके साथ बैठेगी। ऊपर से आप ये देख सकते हैं कंट्रास्ट बिल्कुल सेम टू सेम आएगा लास्ट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो काइंडली प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं कल्टस की और भी गाड़ियों के हवाले से वीडियोस अपलोड कर सकूँ।